हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ मैथ का बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। आपके बेसलाइन टेस्ट एमपी बोर्ड में जो कि लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं बेसलाइन टेस्ट, तो इसमें आपको फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको इसमें इंटू करना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 936। दूसरे क्वेश्चन में आपका भागफल 900 आएगा और शेषफल 5 आएगा, तो ये आपको बॉक्स में लिख देना है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर खा हो जाएगा ₹233। चौथा क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन का आंसर यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है 1/8। ओके दोस्तों, क्लास नाइन्थ के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपके लिए बता दें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं, तो जब भी हम क्लास नाइन्थ की और वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। प्रश्न पाँच देखते हैं, तो प्रश्न पाँच का उत्तर आपका गवाला हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसके बाद सिक्स देखते हैं, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ, किस प्रकार से क्या किया गया वो आपको आंसर पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इसका 12 आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का ये गा नंबर का 5165 ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर यहाँ पर 20 लिख देना है, ठीक है, 2/20, ठीक है। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/10 हो जाएगा ये आपका आंसर। ओके चलिए, वैसे समतुल्य बोला गया तो यही समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए तो ये आपका 3950 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दी गई आकृति में 1/4 को यानी हमने ये रेखांकित कर दिया है, ठीक है, तो आपको इस वाले को रेखांकित कर देना है, तो पूरा आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, तो क्वेश्चन 11 में आपको क्या बताना है, 4 पेन कीमत 36 है तो 1 पेन कीमत 9 रुपये होगी। ओके तो 9 रुपये लिख लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में आपको ये चिन्ह लगाना है, ग्रेटर देन इज और लेस देन एंड इक्वल टू। अगर ये इक्वल टू है तो आप देखिए चूँकि तो ये क्या है, लेस देन है, तो आप हमने यहाँ पर लेस देन का चिन्ह लगा दिया है। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर क्या 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, छायांकित भाग कितना 20 और अछायांकित भाग 80। ओके चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, तो 14वें का आपका ये आंसर ये वाला हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, तो 15वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिख देना 4/5 और इस यहाँ पर शेष बचेगा आपका 1/5। ओके तो इस प्रकार से आपको इसके दोनों के आंसर यहाँ पर मेंशन कर देना है, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये देना अनिवार्य है और ये आपके स्कूल में होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 16 देखिए, इसका ये आंसर हो जाएगा खावाला। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, तो इसका आंसर आपका ये यहाँ पर 567 कर देना है, 123। ओके इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको यहाँ पर 18 कर लेना है, 9 कर लेना है। ओके इस प्रकार से दी गई आकृति का क्षेत्रफल होगा। क्या आपको डाउट आते हैं, तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे कर ऑफ कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, UP, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, या आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिए, नीचे दिए आकृति क्या हुआ, तो ये घटेगा, तो आपको यहाँ पर घटेगा ये वाला कर लेना है। और ग्रिड में दी गई आकृति का क्षेत्रफल याद करना, तो क्षेत्रफल तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके इस प्रकार से 7+17 × 24, तो ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ओके किस वक्त देखिए, 21वें में हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो इसको आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। और 22वां भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ओके चलिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां, तो 23 में आपको चिन्ह हमने मेंशन किए हैं, तो इसका ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है। ओके तो ये आपको चिन्ह यहाँ पर भर देना है, आपको वहाँ पर खाली मिलेंगे। ओके नीचे दिए गए पूर्णांक संख्या को रेखा पर अंकित करना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको 9 को अंकित करना है, तो ये 0 है, तो यहाँ से आपको 9 तक जाना है और ठीक है इस प्रकार से आपको अंकित कर लेना है। चलिए इस प्रकार से आप अंकित कर लेंगे। 25वां देख लेते हैं, तो 25वां भी आप देख पा रहे होंगे, संख्या रेखा पर प्रयोग करके पूर्णांकों को गणन पर याद करना है, तो यहाँ पर हमने पूर्णांकों का इस प्रकार कर दिया है। ओके इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है, ये आप क्लास 9 की जो बेसलाइन टेस्ट है कंप्लीट होता है 2021-22 का। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। चलिए अब इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे वह आपको बताते हैं।
दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल ओपन कर लेना है, गूगल पर सर्च करना है एसकेटी सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आपको बताया, जैसे क्लास 9 सॉल्यूशन ऑल पीडीएफ, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैथ का जितने भी सब्जेक्ट हैं तो सभी का यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर डाउनलोड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी डाउनलोड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल और इंग्लिश का, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ये इंग्लिश का है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन, ये इंग्लिश का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।